सो हे गाइस, व्हाट इज अप गाइस। आज के इस वाले वीडियो में कुछ ज़्यादा ऐसा भारी भरकम चीज़ नहीं हो रहा है। एक छोटी सी अपडेट देना चाहता था। वैसे छोटी सी अपडेट नहीं है, बहुत बड़ी अपडेट है। आई नो, मैंने एक नया माइक लिया है, बोया का। देख सकते हो ये वाला बोया का बा MM1 माइक। बेसिकली ये माइक ब्लॉगिंग के लिए यूज़ होता है, एंड इसके अलावा भी बहुत सारे काम के लिए यूज़ हो सकता है अगर आप इसे यूज़ करना चाहो तो। और फिलहाल यही माइक से आपको अभी आवाज़ आ रही है, और मेरी बोया की जो M1 माइक है वो मेरी रखी हुई है पीछे में। एंड हाँ, उन सभी चीज़ों का कंपेयर भी करा जाएगा, इनमें से कौन ज़्यादा बेहतर है, वो सभी चीज़ें भी आएंगी आने वाली कुछ वीडियोज़ में। अभी सब कुछ एक ही वीडियोज़ में नहीं करा जाएगा, जिससे मुझे भी व्यूज मिलता रहे और आप लोगों को भी अच्छा लगे। बेसिकली बात करेंगे इसमें इसकी अनबॉक्सिंग की और थोड़ी बहुत इसके फीचर्स के बारे में। तो पहले बात करते हैं अनबॉक्सिंग से। तो गाइज ये है बोया का डब्बा, एंड आप इसे देख सकते हो यार, लिटरली में सही पैकेजिंग करी गई है बोया की तरफ से। और हाँ, पहले इसे खोलते हैं। इसके एक साइड देखो तो यहाँ से एक हुक है, इसे मैं खोल के यहाँ पे निकाल सकता हूँ। एक मिनट में इसे खोल लूँ पहले। तो यहाँ पे देख सकते हो ये है हमारा बॉक्स, जो कि बहुत सही सा लग रहा है देखने में। इसे बाहर निकालते हैं। ओ गॉड, आप देख सकते हो यार, ये देख सकते हो यार, ये है हमारा माइक। ओ माय गॉड, क्या लुकिंग है भाई, कितना सही तो लग रहा है ना यार। ये इसका ये ऊपर में मफल दिया गया है शायद से, और ये कुछ कार्ड्स हैं। निकालो निकालो, ये देखो ये कुछ पर्चे दिए गए हैं। ये तो बोया का लगता है वो है डायरी वायरी, जिसमें हमें कुछ पता ही जाएगी कैसी है, नहीं है, कैसे यूज करना है, नहीं करना है। चलो इसे हटाते हैं, साइड रखते हैं तो अपने बॉक्स में। और कुछ है? हाँ ये देखो यार, ये मुझे मिला है बोया की तरफ से एक स्टीकर। यस, ये देखो बोया का स्टीकर है, काफी सही सा लाजवाब सा दिख रहा है मेरे को, बहुत सही लग रहा है। देख सकते हो इसे उखाड़ के मैं कहीं भी चिपका सकता हूँ, बहुत सही है यार। चलो चलो अब आते हैं अपने माइक के ऊपर, इन सारी चीज़ को साइड रखता हूँ मैं। चलो यार अब माइक दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो ये है हमारा माइक, देख सकते हो कितनी सही सी लग रही है मैं देखने में। बोया लिखा हुआ है, ब्रांडिंग है यहाँ पे, और ये चिपका हुआ इससे, और ये काफी सही सा मुलायम सा लग रहा है मेरे को, और ये इसका मफल बहुत सही है। और ये देख सकते हो माइक के पीछे की है, और यहाँ पे आप अपना लगा सकते हो माइक्रोफोन का जो पोर्ट होता है वो। और हाँ देखने में तो काफी सही से लग रहा है। बाकी इसकी वॉइस क्वालिटी आप जिस माइक से सुन रहे हो, मतलब मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ पहली बार बता दूँ, और ये वॉइस ओवर इसी माइक से हो रही है, तो आपको पूरी वीडियो में इसी माइक की क्वालिटी बस देखने के लिए मिलेगा। मेरा बोया का M1 माइक वो रखा हुआ है। बाकी इसको देख सकते हो, ये भाई शॉटगन टाइप से है, तो बहुत सही सा फ्रंट कैप्चर करता है, बस साइड वाइज थोड़ा सा कम लेता है, बट फ्रंट जो आपकी इसमें वॉइस आती है वो फ्रंट की ज्यादा कैप्चर करता है ये। बाकी इसकी क्वालिटी में तो क्या ही बोलूँ भाई, बहुत सही सा लग रहा है। और ये इसका स्टैंड है मेनली, और ये जो है इसका स्टैंड है मेनली, काफी सही सा लग रहा है देखने में मेरे को तो। और हाँ ये थोड़ा सा मजबूत भी है, और ये शॉकिंग वेव को है एब्जॉर्ब करता है। ये शॉकिंग वेव क्या होती है, जब आपकी माइक्रोफोन हिलेगी जगह से तो वो उसे एब्सॉर्ब कर लेगा, ताकि कोई नॉइस जनरेट ना करे। और ये कैमरा में लगाने का सिस्टम है, इसे आप इससे लगा के इस माइक को लगा के कैमरा में लगा सकते हो, जो कि हाँ मेरे हिसाब से बहुत सही है। और ये है स्मार्टफोन के लिए, जिसमें एक तरह से आप स्मार्टफोन देख सकते हो, लिखा हुआ भी है माइक्रोफोन और स्मार्टफोन लिखा हुआ है दोनों साइड में। तो इसमें आप एक साइड माइक्रोफोन लगा सकते हो, एक साइड अपने स्मार्टफोन में कनेक्ट कर सकते हो, एंड उसके जरिए आप इसमें बोल सकते हो। ये हमें इसमें एक कवर भी दिया गया है, जिसमें आप हमें मतलब हम अपने बोया वाया में मन को रख सकते हैं। काफी मजबूत सा है, फाड़ दूंगा लगता है। बाकी इसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत अच्छी क्वालिटी जैसा कि बोया की M1 माइक में आती है, सेम उसी क्वालिटी की ये भी माइक में आपको मिलता है। एंड इसमें शायद कुछ मच्छर उच्छर मारने की दवाई, ये झिंगुर मारने की है शायद से, मेरे को नहीं पता। और ये पता नहीं क्या सब दिया गया है मेरे को, ये सर्टिफिकेट है कि ओरिजिनल है। और हाँ ये मैंने ओरिजिनल परचेस करा है पूरे 1500 रुपए में। तो यही है बस हमारी इस वाली अनबॉक्सिंग की वीडियोज में, तो अभी अपनी फेस कैम पे आते हैं। तो देखियो गाइस, वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि उससे मेरा काम बनता है यार। एंड इस वाले माइक के बारे में कुछ फीचर्स जान लेते हैं, जो कि आपके लिए बहुत बेहतर होंगे अगर आप जान लेते हो इसे टाइम पे तो। एंड बाकी इसके पीछे में कुछ इसके फीचर दिए गए हैं, जो मैं पढ़ के सुनाना चाहता, क्योंकि इसे पढ़ के कोई फायदा है नहीं मेरे को। जो मैंने कहा वही है, फरी वगैरह विंडशील्ड वगैरह इसमें दिया गया है, जो कि काफी आपको हेल्प करता है। वैसे मैंने अभी कोई फरी वरी हेल्प जो है मैंने कोई फरी वरी नहीं लगा रखी है, इसे नॉर्मल सा लगा हुआ है, तो आप उसे भी चेकआउट करो, काफी सही सा है। ये माइक आपको मात्र 1700 में पड़ेंगे फिलहाल। तो हाँ, अभी फिलहाल आपके लिए इतना ही। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।